डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लेडी सोनाटे बोलती है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो काकाशी, और अब तुम हॉस्पिटल से जा सकते हो। तो काकाशी सेन से बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप ये क्यों बोल रहे हो, वो सब ये सब नरूटो की वजह से हो रहा है, क्योंकि नरूटो इस हॉस्पिटल में सो रहा है और इन लोगों को दिक्कत है क्योंकि वो बेड जाम करके बस काकाशी सेन से अकेले यहाँ पर ही सोता है। तो काकाशी सेन से बोलते हैं कि हाँ ना, तुम इसीलिए मुझे जल्दी से भेज रहे हो ना लेडी सोनाटे। तो लेडी सोनाटे बोलती है कि हाँ, मैं इसलिए तुमको डिस्चार्ज कर रही हूँ क्योंकि अगर इसको ट्रेनिंग तुम नहीं कर दोगे तो यहाँ पर ऐसे ही सोते रहेगा। तभी यहाँ पर सोकरा गुस्से में नरूटो के पास जाती है और उसकी कान में जोर से चिल्लाती है, बोलो उठो नरूटो उठो, और नरूटो डर के मारे उड़ जाता है। सोकरा बोलती है तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी है क्या? तो नरूटो बोलते हैं कि कभी हाँ मुझे करनी है। और इसके बाद यहाँ पर काकाशी सेंसेई और नरूटो ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ तुम्हें, और जो ट्रेनिंग देने वाला हूँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। नरूटो यहाँ पर हंस रहा होता है और काकाशी सेंसेई उसको पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो नरूटो बोलते हैं कि आपसे ट्रेनिंग लेकर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इतने दिनों बाद मैं आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और यहाँ पर काकाशी सेंसेई और नरूटो ट्रेनिंग लेने वाले हैं। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि जो तुम्हारी रसेंगन है वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो नरूटो बोलते हैं क्या वो पूरी नहीं हुई? तो काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि नहीं, वो पूरी नहीं हुई थी, वो फोटो कागे ने बस उतनी ही थी, और ये अटैक अभी भी थोड़ा कमज़ोर है, मतलब अगर उसको जितना है उतना कर दो, जितना ज़्यादा ताकतवर है उतना कर दो तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इस प्रोसीजर में बहुत सारे मतलब स्टेप्स हैं, पहले तो मैं तुम्हें दो स्टेप्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहला स्टेप्स है कि तुम्हें तुम्हारा जो चाक्रा है उसका फोर्स कैसा है रसिंगन का, और वो फोर्स ज़्यादा है कि नहीं वो देखने के लिए तुम्हें रसिंगन करके दिखानी होगी। और नरूटो अपना यहाँ पर शैडो क्लोन बना लेता है, वो बोलते हैं कि सबसे पहला मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर वो अपना शैडो क्लोन से रसिंगन बनाता है और रसिंगन मारने वाला रहता है। तभी काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि बस बस, मैंने तुम्हारे रसिंगन का फोर्स देख लिया, तुम्हारे रसिंगन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारा रसिंगन का फोर्स बहुत ज़्यादा सही है, इसका मतलब तुम तुम्हारे पहला स्टेप जो है उस पर पास हो जाते हो। और नरूटो बोलते हैं क्या मैं पहले स्टेप में पास हो गया? और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है यिप्पी, अब मैं बहुत ज़्यादा रसिंगन को ताकतवर कर दूंगा जो फोर्थ कागे भी नहीं किए थे। तो यहाँ पर काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम्हें अपनी नेचर की पावर को जगाना होगा। नरूटो बोलता है नेचर की पावर? तो काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि जैसा मेरी चिदोरी, मैं मेरी चिदोरी बनाता हूँ उसके अंदर मैं नेचर की पावर डालता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये मेरी नॉर्मल पावर है, ये मेरी चाक्रा की पावर है, और ये देख लो अब इसमें मैं अपनी नेचर की पावर मिलाऊंगा तो तुम देखना खाली क्या होगा। अब मैं मेरी विंड पावर लूंगा यानी नेचर की थंडर पावर, और यहाँ पर मेरी थंडर नेचर की थंडर पावर लेने के बाद मेरी चिदोरी देखो, और यहाँ पर वो अपनी चिदोरी बना लेते हैं। नरूटो ये देखकर बोलता है वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है, और वो काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी नेचर की पावर सिखाऊंगा। नरूटो बोलता है ये मुझे बड़ा मज़ा आएगा। पहले काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि तुम्हारी नेचर की पावर क्या है, सबकी अलग अलग पावर की नेचर की पावर रहती है, और तुम्हें तो अपनी नेचर की पावर पता ही नहीं है। जो हमारे ग्रेट फाइव नेशन है वो भी नेचर की पावर पर ही बने हैं, लीव नेचर, फायर नेचर, थंडर नेचर, वाटर नेचर, विंड नेचर, और ऐसा करके फाइव नेचर बने हैं, और फाइव नेचर से ही वो विलेज बने हैं, और हम सभी के अलग अलग अंदर अलग अलग विलेज के मतलब नेचर है, और तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि तुम्हारे अंदर कौन सा नेचर है। तो हम वो पहले फाइंड आउट करेंगे कि तुम्हारे अंदर कौन सा नेचर है। उसके बाद काकाशी सेंसेई अपने पीछे वाले पाउच में हाथ डालते हैं और एक पेपर निकालते हैं। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम ये पेपर को अब ज़रा ध्यान से देखना, और फिर वो अपने दो उंगली में पेपर ले लेते हैं। वो बोलते हैं कि बस अब मैं इस पर थोड़ा चाकरा डाल लूँगा और क्या होगा, और अचानक से वो पेपर कुछ चिवड़ जाता है। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि ये पेपर इसलिए चिवड़ा क्योंकि मेरा थंडर पावर है, और थंडर पावर की वजह से ये पेपर ऐसा हो गया। अगर मेरी फावर पावर रहती यानी फावर नेचर रहती तो ये पेपर जल जाता, और अगर मेरी विंड नेचर रहती तो ये पेपर फट जाता, अगर वाटर नेचर रहता तो ये पेपर गीला हो जाता, और अगर जो रॉक नेचर रहता तो ये जो पेपर है वो सॉलिड होकर वापस से सॉइल मतलब वो मिट्टी बन जाता। और यहाँ पर काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि ये लो अब तुम्हें ये पेपर को पकड़ना है, ये निंजा लिटमस पेपर है यानी निंजा का लिटमस पेपर, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा नेचर कौन सा है। नरूटो बोलता है बस थोड़ा फोकस और चाकरा, और उसके बाद यहाँ पर नरूटो का पेपर
फट जाता है। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि मुबारक हो, तुम्हारा जो नेचर है वो विंड नेचर है और विंड नेचर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर नेचर है और तुम्हें इसमें फ़ायदा होने वाला है क्योंकि तुम्हारा जो चाक्रा है वो बहुत ज़्यादा काम आएगा इसमें। तो नरूटो बोलते हैं, क्या काकाशी सेंसेई मेरा चाक्रा आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है? तो काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि हाँ, मेरे अंदर 4% है और अगर तुम अपना अच्छे से इस्तेमाल करेगे नरूटो का नाइन टेल फॉक्स का चाक्रा तो तुम्हारा जो चाक्रा है वो मेरे से 100% ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और नरूटो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि मैं तुम्हें अब नेचर की पावर इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। नरूटो बोलता है ये मज़ा आएगा। तभी वहाँ पर कैप्टन यामाटो आते हैं और कैप्टन यामाटो को देखकर नरूटो बोलते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कैप्टन यामाटो? और फिर वो कैप्टन यामाटो को पूछने लग जाता है कि कैप्टन यामाटो आपका कौन सा नेचर है, जल्दी आप बताओ आपका क्या वुड नेचर है, आप वुड टाइप के हो? और यहाँ पर काकाशी सेंसेई नरूटो को देख रहे होते हैं। तभी काकाशी सेंसेई कैप्टन यामाटो को बोलते हैं कि नरूटो अपना ध्यान भटक रहा है तो वो जो पहले पूछता है तुम वो उसका जवाब दे दो वरना ये सताने लग जाएगा। वो तुमसे पूछ रहा है कि तुम्हारा कौन सा नेचर है तो तुम बता दो। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है तो मैं तुम्हें अपना नेचर बताऊँगा। और वो बोलते हैं निंजा आर्ट और स्टाइल जुत्सु। और उसके बाद यहाँ पर वो अर्थ से नीचे से एक बड़ी सी ज़मीन निकालते हैं और फिर वो अपना वाटर स्टाइल वाटरफॉल जुत्सु से यहाँ पर पानी का वाटरफॉल लेके आ जाते है। नरूटो बोलते हैं वाह ये तो बड़ा मजेदार है पर इनका वुड स्टाइल कहाँ गया, वुड नेचर कहाँ है? काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि इनके पास वुड नेचर है ही नहीं, इनके पास वाटर नेचर और अर्थ नेचर है और वो वाटर नेचर और अर्थ नेचर को मिलाकर बनाते हैं अपना वुड स्टाइल जुत्सु, जैसे कि थर्ड उकागे के पास दो नेचर है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम अब जरा कैप्टन यामाटो को ध्यान से देखो। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते कि मैं मेरा उल्टे हाथ में चाकरा अपना वुड स्टाइल यानी वाटर स्टाइल कर लूँगा और इस तरफ मैं अर्थ नेचर का लूँगा और दोनों नेचर को एक साथ मिला दूंगा और उसके बाद देखो क्या कमाल होता है। और यहाँ पर वो अर्थ नेचर और वाटर नेचर को मिलाकर अपना वुड नेचर क्रिएट करते हैं और इसी तरीके से वो अपने दोनों हाथ में चाकरे को बराबर लेते हैं अर्थ नेचर और वाटर नेचर का और एक साथ कंबाइन करके वो अपना वुड नेचर बनाते हैं। और काकाशी सेंसेई बोलते देखा ऐसे करके वो अपना वुड नेचर बनाते हैं। नरूटो बोलते हैं इनके पास तो दो से भी ज़्यादा नेचर है। काकाशी सेंसेई बोलते हैं अगर तुम एक जोनिन हो तो तुम्हारे पास दो से भी ज़्यादा रहता है, मेरे पास भी है। और वो बोलते कि थर्ड उकागे पास भी था और वो एग्जाम्पल देते हैं। वो बोलते कि जब तुमने सबसे पहले अपना मिशन किया था जो वो हाकू था उसने अपना आइस बनाई थी यानी वो अपने आसमान में आइस बनाई थी सॉलिड आइस, तो उसके पास अपने दो नेचर थे यानी वाटर नेचर और विंड नेचर और वो दोनों नेचर को बनाकर वो आइस नेचर बनाती थी यानी वो आइस के ब्लॉक्स बनाती थी जैसा कैप्टन यामाटो करते अपने वुड के साथ। और काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि जो सास्के है उसके पास भी दो टाइप का नेचर है, एक थंडर नेचर और एक फायर नेचर और वो दो नेचर का इस्तेमाल करना तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। और यहाँ पर नरूटो बोलते हैं कि मेरे को भी नेचर सीखना है। तो यहाँ पर काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ कि हम नेचर का किसी तरीके से इस्तेमाल अच्छे से करें। तो यहाँ पर नरूटो नेचर को देख रहा होता है और काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम्हारे सबसे पहला अपना तुम्हें शेडो क्लोन बनाना होगा और मैं तुम्हें शेडो क्लोन के बारे में सबसे अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। नरूटो बोलते हैं कि मुझे शेडो क्लोन के बारे में सब कुछ पता है। तो काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम्हें मैं बेसिक्स बता रहा हूँ और बेसिक्स करके मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो तुम्हें सबसे पहले अपना शेडो क्लोन बनाना होगा और तुम्हें ये मालूम है रूल मालूम है कि नहीं कि तुम अपने शेडो क्लोन के साथ जो भी करवाओगे यानी तुम्हारा जो क्लोन है वो कुछ भी करेगा तो अगर वो क्लोन गायब हो जाएगा तो तुम्हें खुद एक्सपीरियंस होगा कि क्लोन ने क्या क्या किया। तो नरूटो बोलते हैं नहीं मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तो ठीक है तुम सबसे पहले अपना एक शेडो क्लोन बनाओ और मैं भी मेरा शेडो क्लोन बनाता हूँ। और यहाँ पर नरूटो और काकाशी सेंसेई अपने शेडो क्लोन बना लेते हैं। काकाशी सेंसेई और नरूटो अपने अपने शेडो क्लोन को जंगल की तरफ भेजने के लिए बोलते हैं और यहाँ पर नकली नरूटो और नकली काकाशी सेंसेई यानी उन दोनों के शेडो क्लोन जंगल की तरफ चले जाते हैं। नरूटो बोलते हैं कि आप उन दोनों को जंगल की तरफ भेजकर कर रहे क्या है? और काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम देखते रहो। यहाँ पर जो काकाशी सेंसेई का क्लोन रहता है वो नरूटो के क्लोन को बोलता है कि चलो हम स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। नरूटो बोलते हैं स्टोन पेपर सीजर मुझे ऐसा मज़ा नहीं आएगा स्टोन पेपर सीजर खेलने में, ज़रा रुको अगर हम कुछ बैट लगाएंगे अगर मैं जीत जाऊँगा तो आप क्या देंगे, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो ही मैं आपके साथ स्टोन पेपर सीजर खेलूंगा। तो काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि इचिराकू रामेन दूंगा। तो नरूटो बोलते हैं कि आप अपने वादे पे रहना और उसके बाद वो अपना दोनों स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। यहाँ पर नरूटो बोलते हैं कि हे आखिर वो लोग जंगल में कर रहे क्या है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम थोड़ा वेट करो और तुम्हें उसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर जो नरूटो का क्लोन रहते हैं वो जीत जाता है स्टोन पेपर सीजर में और यहाँ पर जो उन दोनों का क्लोन रहते हैं
वो नाच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर काकाशी सेंसेई नारुतो को बोलते कि तुम अपने क्लोन को वापस बुला लो, और यहाँ पर नारुतो और काकाशी सेंसेई अपने क्लोन को वापस बुला लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ही वो क्लोन गायब होता है, नारुतो को सब याद आता है और वो बोलते हैं कि हाँ मुझे याद आ रहा है कि हम दोनों जंगल में स्टोन पेपर सीजर खेले और आप हार गए, आप इसका मतलब कि मुझे इचिराकू के नूडल्स खिलाएंगे। तो काकाशी सेंसेई बोलते कि हाँ मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ कि जो हमारा शेडो क्लोन करेगा वही फिर वो गायब होने के बाद हमें एक्सपीरियंस होगा कि हाँ हमने ये सब किया है। और काकाशी सेंसेई बोलते कि अब हमारे पास ट्रेनिंग में कम टाइम है तो हम ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल ही करेंगे। और नारुतो बोलते इसका मतलब, तो यहाँ पर नारुतो को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि काकाशी सेंसेई शेडो क्लोन का इस्तेमाल करने कैसे बोल रहे हैं। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि सबसे पहला हम अपने बहुत सारे शेडो क्लोन तुम बनाओगे और उसके बाद मैं तुम्हें जो ट्रेनिंग करने बोलूँगा तुम वो ट्रेनिंग करोगे और फिर अपने शेडो क्लोन को वापस अपने अंदर ले लोगे, तो तुम्हें ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि तुमने इतने दिनों से किया है, क्योंकि बहुत सारे शेडो क्लोन रहेंगे और बहुत सारे शेडो क्लोन ट्रेनिंग करेंगे तो नारुतो को ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि वो बहुत दिनों से ट्रेनिंग कर रहा है और ऐसा जल्द से जल्द वो एक्सपर्ट हो जाएगा जब तक वो सास्के और मतलब ओरोचिमारू सास्के की बॉडी नहीं ले लेता। तो यहाँ पर काकाशी सेंसेई बोलते कि अब मैं तुम्हें वो टास्क देने वाला हूँ जो तुम्हें करना है। नारुतो बोलता है यो मैं तैयार हूँ, अब जल्द से जल्द बताओ कि मुझे करना क्या है। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि ये जो मैं दे रहा हूँ वो थोड़ा हार्ड है इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ शेडो क्लोन बना के करना। तो काकाशी सेंसेई नारुतो को बोलते हैं कि देखो तुम्हें ये लीफ को अपने हाथ के अंदर रखना है और उसके अपने चाक्रा की मदद से इसे तोड़ना है। तो नारुतो बोलते हैं ये मैं ये कर दूंगा, आप जल्द से जल्द बताओ कि मुझे कितने शेडो क्लोन बनाने हैं, 100, 200, 300। तो काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि तुम्हें इतने शेडो क्लोन बनाने हैं कि मैं तुम्हें जितने पत्ते बताऊंगा उतने पत्ते को तुम्हें हाथ में रखना होगा। और नारुतो को वो बताते हैं कि देखो तुम्हें इतने शेडो क्लोन बनाने हैं कि तुम्हें उतने पत्तों की ज़रूरत लगेगी, और वो पेड़ की तरफ इशारा करते हैं। और यहाँ पर नारुतो पेड़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और यहाँ पर नारुतो बोलते हैं तो ठीक है मैं बना लेता हूँ उतने शेडो क्लोन। और नारुतो सभी शेडो क्लोन बना लेता है और वो इतने सारे शेडो क्लोन बनाता है कि पूरे पेड़ के पत्ते की ज़रूरत पड़ती है और पेड़ की डालियाँ ख़त्म हो जाती है। नारुतो यहाँ देखते हैं कि उसके पत्ते बस इतने इतने सी चाकरा से कट रहे हैं और यहाँ पर वो लोग सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। काकाशी सेंसेई बोलते हैं कि अगर वो इसी तरीके से प्रैक्टिस करेगा तो वो जल्द से जल्द अपने रसेंगन को परफेक्ट और एकदम पावरफुल करने में जल्द से जल्द सीख जाएगा। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।